यार संजय लीला भंसाली जो देवदास का जो सीन आपने किया है, काफी नाखुश रहे हैं उस सीन की वजह से, क्या है कुछ आप जानते हैं इस बारे में या कुछ कहना चाहते? मुझे कोई जानकारी है नहीं कि वो नाखुश है कि नहीं, लेकिन अगर वो है भी तो अगर जब वो फिल्म देखेंगे तो उन्हें ये आइडिया आ जाएगा कि हमने कोई मजाक नहीं उड़ाया। इनफैक्ट सिंघम, देवदास, दोस्ताना, लेकिन ये इस देवदास का कॉपी किया है कि पुराने देवदास की कॉपी किया? जनरल देवदास है। हाँ, तो इट डजंट रियली कनेक्ट टू संजय लीला भंसाली देवदास। सिर्फ पारो और चंद्रमुखी तो पुराने देवदास में भी थे और कॉस्ट्यूम भी वही था और देवदास के हाथ में बॉटल भी था, तो ये कोई किसी की कॉपीराइट तो है नहीं। बट आई डोंट थिंक इज अपसेट, अगर वो है भी तो आई थिंक फिल्म देख के वो खुश हो जाएंगे। हिट फिल्म है इसलिए हमारी फिल्म में हमने थोड़ा मतलब इमिटेशन किया है। अगर हिट फिल्म नहीं होती तो कोई जिक्र भी नहीं करता। ही शुड बी हैप्पी, आई एम श्योर ही इज। इज पखरू ऑल्सो एपिंग या इज पखरू ऑल्सो एपिंग जॉन एब्राहम, सिंस पखरू इज अ स्पर्म डोनर इन द फिल्म अपेरेंटली? जॉन एब्राहम वाजंट, ही डिडंट एक्ट इन दैट मूवी, हिज मूवी आयुष्मान खुराना, विकी डोनर। He is actually a stud. He is a breeding champ. So, yeah, there happens, right? And he doesn't happen, no? He's never heard of a dog breeding. You've not heard of dog breeding? No, a lot of dogs breeding. No, I have. But you don't know the dogs get paid to be bred like stud dogs? Pakru is a stud dog. Yeah. He's just a stud, just like a horse. Like his owner. और ये फिल्म लिखी गई थी विकी डोनर की बहुत 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 पहले, तो पखरू का कैरेक्टर किसी मतलब और कैरेक्टर से इंस्पायर हो ही नहीं सकता।